Hello student, welcome to the sixth and the last lecture of SLO Elements. In this lecture, we are going to talk about the compounds of calcium. Compounds of sodium हमने discuss कर लिया है, NaOH हम लोग ने पूरा एक lecture लिया था, उसके बाद में Na2CO3 and NaHCO3 हमने complete किया है. इस lecture में हम लोग compounds of calcium बात करेंगे. ऐसे अगर हम लोग बात करें calcium के compounds की, compounds तो बहुत सारे हैं, but हमारे काम के जो compounds हैं entrance point of view हम लोग उनको discuss करेंगे, ठीक है? So let us start with compounds of calcium. कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्विक लाइम, व्हिच इज आल्सो नोन एज CaO. इसका नाम क्या बेटा? क्विक लाइम है, इसको लाइम भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है बर्नड लाइम. ठीक है, इनका हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है और यूजेस पढ़ना है. प्रिपरेशन एज सच एक ही प्रिपरेशन है हम लोग के लिए. प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हिच इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन. सो वी आर गोइंग टू राइट थर्मल डीकंपोजिशन. हीट देके आप इसको डीकंपोज करोगे, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन. तो CaCO3 ऑन हीटिंग अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, इट ब्रेक्स अप इनटू CaO + CO2. तो ये CaO जो मिला, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम या फिर बर्नड लाइम बोलते हैं. ठीक है, सो ये इसका एक मेथड ऑफ क्या हो गया? प्रिपरेशन हो गया. अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्शन ऑफ वाटर. वाटर का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं. एक्शन ऑफ वाटर, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम, व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन वाटर, ठीक है, जितना डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम में डिजोल्व हो जाएगा, बाद में ये पेस्ट ही बन जाएगा जो नीचे सेटल हो जाएगा. तो ये क्विक लाइम जो है, इसको आप क्या बोलते हो? क्विक लाइम. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्लेक लाइम, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम. नाउ बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं, तो सपोज मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था, इसके अंदर मैंने पानी डाला, तो मैक्सिमम जितना डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व हो जाएगा. बाद में ये जो नीचे है यहाँ पे बेटा वो पेस्ट जमा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना. और ऊपर जो है, जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर डिजोल्व हो गया, यहाँ पे बेटा वो क्लियर सॉल्यूशन बना देगा. सो बेसिकली यू कैन सी टू पार्ट्स, एक तो क्लियर पोर्शन दिखेगा जिसको आप क्लियर सॉल्यूशन बोल सकते हो, और यहाँ पे ये नीचे जो है आपको पेस्ट देखने को मिलेगा, पेस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक लाइन. ठीक है, इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे, बिकॉज ये MCQ क्वेश्चन में ऑलरेडी नीट में पूछा गया है. सो पेस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट, पेस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वॉटर, इट इज अ पेस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वॉटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम. ठीक है, इसको आप मिल्क ऑफ लाइम बोलते हो. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस क्लियर सॉल्यूशन, इस क्लियर सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर. क्या बोलते हैं? लाइम वाटर. एक नाम सुना होगा बाटा वाटर. बाटा वाटर बेटा अलग होता है, याद रखना उसको, अलग से याद रखना. बाटा वाटर BaOH ट्वाइस होता है, वो BaOH ट्वाइस होता है. सो दिस इज द एक्शन ऑफ वाटर. ये वाटर का जो एक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है ये क्वेश्चन आया है, मिल्क ऑफ लाइम का मतलब क्या होता है? मिल्क ऑफ लाइम का मतलब है पेस्ट ऑफ CaOH ट्वाइस इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम. उसके बाद में सेकंड रिएक्शन बात करते हैं. आप बताओ ये बेसिक है कि एसिडिक है बच्चा? एसिडिक है कि बेसिक है? ये पानी में डिजोल्व होकर क्या बना रहा है? बेस बना रहा है. तो ये डेफिनेटली बेसिक है. अगर ये बेसिक है तो एक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड, एक्शन और रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड ले लेते हैं. रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड के साथ इनका रिएक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ CaO का रिएक्शन CO2 के साथ, CO2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देगा? CaCO3. ये कौन है? एसिडिक ऑक्साइड है. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. एक और रिएक्शन ले लेते हैं, SiO2 का रिएक्शन, जो हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ते हो, राइट ना, फ्लक्स एंड गैंग मिला के क्या बनाते हैं? स्लैग. उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, P4O10 का. P4O10 का रिएक्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो इट विल गिव यू कैल्शियम फॉस्फेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है. बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोग कर लेना. ये सब के सब बच्चों क्या है? मैंने जो दिए वो एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक है, ये सब एसिडिक ऑक्साइड है,
और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन वाटर इट फॉर्म्स बेसिक सॉल्यूशन, राइट ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे अगर हम लोग NaOH और KOH के साथ कंपेयर करें तो वो तो बेटा वीक एसिड है, वीक बेस है सॉरी, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक स्ट्रेंथ में। सिर्फ अगर ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस में गिना जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया मैंने, बाकी सबको हम लोग वीक बेस ही मानेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद कार्बन, जो इसके यूजेस में भी आएगा, रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद कार्बन इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड बनाता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ CO। टोटल कार्बन कितने हो गए, तीन हो गए, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पे मेन जो है इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इस कंपाउंड का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, दिस कंपाउंड ऑफ हाइड्रोलिसिस इट गिव्स एसिटिलीन देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग एरोमेटिक नहीं अल्काइन चैप्टर में यूज भी करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन है ये, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन है, एसिटिलीन बनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करना पड़ता है तभी ये रिएक्शन होगी, बिकॉज मैंने आपको बोला था ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बताया था कि ग्रुप टू के जो मेटल ऑक्साइड्स और ग्रुप वन के मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको आप अगर कार्बन के साथ हीट करोगे तो उससे कभी भी आपको मेटल नहीं मिलेगा, मेटल कभी नहीं मिलेगा, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक था आपको कार्बन रिडक्शन मेथड, अगर आपको याद है तो उसमें कार्बन रिडक्शन मेथड में ये क्या था, इसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कहाँ कहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। सो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, कहाँ कहाँ यूज होता है सोचो, कार्बाइड बनाने में कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड है, इवन सोडा लाइम बनाने में भी यूज होता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा लाइम, ठीक है ना। अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखा है तो जो फर्नेस होता है उसके अंदर का जो कोटिंग होता है वो किसका होता है, बेसिक मटेरियल का बनाना पड़ेगा तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। सो इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस भी बेटा हम लोग किसके बना सकते हैं, इसी के बना सकते हैं। थर्ड और कहाँ यूज होता है सोचो, यस इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एक पी ब्लॉक में हमने और एक पढ़ा था ड्राइंग ऑफ, इट्स अ ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया, याद है हमने अमोनिया के लिए H2SO4 P4O10 कैल्शियम क्लोराइड इन सबको यूज नहीं किया था, इट इज अ ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए ड्राइंग एजेंट है, एंड इवन फॉर इथेनॉल, इथेनॉल के लिए भी ये क्या है, ड्राइंग एजेंट है बेटा। तो ये एज सच अगर हम लोग बात करें तो यूजेस बेटा आपको ही पढ़ने, मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, सीमेंट बनाने में भी यूज होता है, सीमेंट बनाने में भी ये यूज होता है, ठीक है, सीमेंट बनाने में, ग्लास बनाने में यूज होता है। उसके बाद ड्राइंग एजेंट हमने पढ़ लिया, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में यूज होता है, फर्नेस में, और इवन इन मेकिंग ऑफ सोडा लाइम। सो एज सच अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर हमने फर्स्ट वाला टॉपिक खत्म कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हमने खत्म कर लिया, अभी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। सब छोटे छोटे टॉपिक से, इससे ज्यादा बोर्ड किसी को लगने वाला नहीं, इसमें तो पूरा बोर्ड लग गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिप्सम है इनके लिए तो हमारा कम जगह लगेगा, ठीक है। तो इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। Okay, students. So the second compound of calcium is slake lime, which is also known as calcium hydroxide, CaOH twice. इसका नाम क्या है बच्चों? Calcium hydroxide या फिर इसको बोलेंगे slaked lime, right? Now, as such देखने जाए तो इसके भी कुछ ज्यादा important points तो नहीं है, but फिर भी जो काम की चीजें हम लोग discuss करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके preparation के बारे में, कैसे ये बनाया जाता है। तो ये हम लोग ने प्रीवियस कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम में सीखा था कि अगर हम लोग क्विक लाइम के अंदर वाटर डालते हैं, इट गिव यू स्लेक लाइम, CaOH twice, ठीक है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, स्लेक लाइम। ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है ना, क्विक लाइम को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो स्लेक लाइम मिलेगा। और इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोला था, इसका जो पेस्ट होता है वाटर के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, और क्लियर सॉल्यूशन को बोलते हैं लाइम वाटर। तो अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबसे पहले हैं वो है एक्शन ऑफ CO2,
एक्शन ऑफ CO2, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। अगर हम लोग लाइम वाटर में से जो क्लियर सॉल्यूशन हमको मिला था लाइम वाटर, इस लाइम वाटर में से अगर हम लोग CO2 गैस पास करें, CO2 गैस, देन इट विल गिव यू व्हाट, CaCO3 प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, H2O मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली मिल्कीनेस आएगा और वो मिल्कीनेस जो होगा वो किसकी वजह से होगा, मिल्कीनेस आ रहा है किसकी वजह से, CaCO3 की वजह से, बिकॉज ग्रुप टू के जो कार्बोनेट्स है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में डिजोल्व होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसमें से इफ एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास, एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास, तो ये हमारे लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है, एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास होगा तो मिल्कीनेस जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, देन द मिल्कीनेस विल डिसअपीयर, मिल्कीनेस विल डिसअपीयर। मिल्कीनेस कहां चला जाता है उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि ये बच्चों कार्बोनेट से बाई कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रुप टू के जो बाई कार्बोनेट्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर तो था ही, राइट ना, यहां से तो मिला ही था अपने को, अगर इसके अंदर और CO2 गैस पास कर दोगे तो ये वाला जो है वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है बेटा, सॉल्युबल है, क्या है, सॉल्युबल है, और ये डिसॉल्व हो जाएगा तो मिल्कीनेस पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट वी कैन यूज फॉर CO2 गैस, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ Cl2, इसमें टेम्परेचर का रोल है थोड़ा सा, ध्यान देना, एक्शन ऑफ Cl2, ब्लीचिंग पाउडर बनाना सिखाऊंगा, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक लाइम, अगर मैं इसके अंदर Cl2 गैस पास करूं एट अ टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर प्लस यहाँ पे वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर। सर वॉट इफ वी प्रोवाइड मोर टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर दिया तो फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बेटा ऑक्सीजन गैस बना देगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2 plus H2O plus O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोग देख लेना प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखना इट इज हीटेड टू रेड हॉट, तो याद रखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज द एक्शन ऑफ व्हाट, Cl2, ठीक है, एक्शन ऑफ CO2 पढ़ा, एक्शन ऑफ Cl2 पढ़ लिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम, इसके यूजेस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूज है बेटा, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है, और कहाँ यूज होता है, इवन इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, आप बोल सकते हो सीमेंट बनाने में यूज होता है, इवन प्लास्टर बनाने में यूज होता है, इन सब में भी ये क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद में इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है इट इज वाटर सॉफ्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लार्क्स प्रोसेस अगर आपने हाइड्रोजन चैप्टर देखा है, इट इज वाटर सॉफ्टनर, क्लार्क्स प्रोसेस, क्लार्क्स प्रोसेस में मैंने आपको ये सिखाया वाटर सॉफ्टनर के तौर पे ये यूज होता है, राइट। उसके बाद में और क्या यूज है, इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग, अभी ये वाइट वॉशिंग क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग जो है हमारे लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा गांव साइड में बेटा, हम तो यहाँ पे पेंट्स करवाते हैं अच्छे वाले, बट गांव साइड में आपने देखा होगा चूने का पेंट होता है, तो वो कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है, लाइम वाटर जो चूना होता है उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है, तो जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, CaOH twice होता है, राइट। तो जब उसको दीवार के ऊपर अप्लाई किया होता है तो आप देखते हो कि दो दिन के बाद या दो तीन दिन के बाद उसके ऊपर पूरा व्हाइट कलर का लेयर आता है, जब फर्स्ट टाइम ऐसा अप्लाई करते तो अपने को इतना क्लियरली नहीं दिखता है, बट धीरे धीरे अगर हम लोग देखें तो वो और अच्छे से व्हाइट, एकदम प्रॉपर व्हाइट होने लगता है, जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे अच्छे से व्हाइट होता है, बिकॉज उसका रिएक्शन जो होता है वो CO2 गैस, हवा में CO2 गैस तो है उसके साथ होके बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग में बेटा हम लोग किसको यूज करते हैं, स्लेक लाइम को ही यूज करते हैं, राइट ना, किसी को अगर सपोज कोई अफोर्ड नहीं करवाता है तो वो बेटा किसका पेंट कराता है, गांव साइड में देखा होगा वहाँ चूने का ही पेंट होता है जनरली, ये एशियन पेंट्स है ना, ऑल जो पेंट्स है हम लोग वो तो हम लोग जनरली इधर देखेंगे मुंबई साइड में या फिर जो सब साइड में हम लोग वहां पे यूज करते हैं, गांव साइड में आज भी बहुत जगह पे यही यूज होता है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं स्लेक लाइम को, ठीक है। सो ये हो गया बेटा विद प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ व्हाट,
स्लेक लाइम। अभी हम लोग आगे का बात करेंगे, जिप्सम की और पीओपी की बात करेंगे, इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे वाला कंपाउंड स्टार्ट करें, ठीक है। जिप्सम, ये सब छोटे छोटे कंपाउंड है बट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट हमको मिस नहीं करना है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। पीओपी का फॉर्मूला यहाँ पे हाफ एच टू आ जाएगा, राइट ना। ध्यान से सुनो, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास में कैल्शियम क्लोराइड है, अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूँ H2SO4 के साथ, ठीक है, तो इट विल गिव मी वॉट, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं, CaSO4 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2HCl। एक और रिएक्शन अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन Na2SO4 के साथ कर दें, तो बेटा हमको क्या मिलेगा, CaSO4 मिलेगा प्लस 2NaCl मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑल अबाउट, सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में फर्टिलाइजर एक सिंपल सा रिएक्शन है और यूजेज है बस, खत्म। एक्शन ऑफ हीट हम सबको याद रखना है, मैं आपको इसको चार्ट के फॉर्म में बताता हूँ। CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। अगर मैं इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँ, रिमेम्बर 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.5H2O में, और ये अपना 1.5 वाटर मोल्स लूज कर देगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसको आप क्या बोलते हो, जिप्सम बोलते हो, बराबर है। और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट हम लोग जो पीओपी पढ़ने वाला है उसी का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर आप पीओपी को CaSO4, ध्यान देना, CaSO4.5H2O को फर्दर हीट करते हो, फर्दर हीट करते हो, ठीक है ना, और हीट करोगे तो ये बेटा एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज करके CaSO4 बना देगा, क्या बना देगा, CaSO4। और CaSO4 को अगर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करें, याद रखना, सल्फेट्स मैंने बताया था, सल्फेट्स को हीट करेंगे ग्रुप टू के, तो बेटा ऑक्साइड और SO3 गैस बनाते हैं, और लिथियम का खाली एक ही, लिथियम ही ऐसा ग्रुप वन का एलिमेंट है जो हीट करने से अपना सल्फेट देगा। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, सबसे पहले क्या बना, जिप्सम से क्या बना, पीओपी बना। पीओपी के बाद बेटा अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, आपका पीओपी है। पीओपी को अगर आप हीट करते हो 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, एनहाइड्रस CaSO4 में, और फिर उसको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हीट करेंगे तो वो SO3 गैस दे देगा, ठीक है ना, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, कि अगर हम लोग जिप्सम का रिएक्शन कर रहा है बच्चों किसके साथ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया के साथ, ठीक है, वाटर, एंड इसमें से अगर हम लोग CO2 गैस पास करें, कौन सा गैस पास करें, CO2 गैस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में, जो कि एक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, और साथ में मिलेगा CaCO3, ठीक है, CaCO3। तो ये फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है। और एनहाइड्रस CaSO4 जो होता है बेटा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि खुद जो है वो .2H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पे, तो अगर वो खुद .2H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो एनहाइड्रस है, मतलब इसके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग व्हाट, फर्टिलाइजर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा सा सेशन हमारा किसके बारे में रहेगा बच्चों, पीओपी के बारे में रहेगा। पीओपी, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक आध प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेता है, और उसी के अंदर हम लोग बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थोड़े से एलिमेंट्स के वो भी देख लेते हैं, तो अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट पार्ट एंड देन थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला CaSO4.5H2O, इसको बहुत सारे बुक्स में 2CaSO4.H2O भी लिखा जाता है, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वही आने वाला है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, व्हेन इट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ, इसके प्रीवियस बोर्ड पे सिखाया था, 120 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स CaSO4.5H2O प्लस 1.5 क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पीओपी, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये क्या है आपका, जिप्सम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज और यूजेस ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए मैंने पहले से लिख के रखा है।
इट इज अ वाइट पाउडर, सबको पता है पीओपी जब किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ठीक है ना, तो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं ताकि वो बोन जो है वो हिले नहीं और वो पार्ट में मूवमेंट ना हो, ताकि वो जुड़ता रहे ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई चीज यूज करनी पड़ेगी जो जल्दी से सेट हो जाए ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन टू हार्ड मास व्हेन इट इज पुट इन वाटर, वाटर में जब डालेंगे पेस्ट बनाते हैं तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत बार देखा होगा जो सीलिंग होता है घर में भी, अलग अलग टाइप्स के डिजाइन जो होते हैं स्टैचूज बनाए जाते हैं, जो अपन मूर्ति जो यूज करते हैं गणपति विसर्जन में है, या फिर कोई भी अगर मूर्ति बनाते हैं स्टैचू के तौर पे, तो वो भी जनरली पीओपी का भी बनता है। तो इट इज यूज इन सेटिंग ब्रोकन बोन्स के अंदर, मेकिंग टॉयज है, स्टैचूज है ठीक है ना। और ब्लैक बोर्ड जो चॉक्स होता है, जो मैं चॉक यूज कर रहा हूँ बच्चों, वो भी किसका है, पीओपी का बना होता है। यहाँ हाई क्वालिटी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है इसमें, तो इससे क्या होता है बेटा लिखने में आसानी होती है। इसके बाद आ जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जनरली ये बायो के स्टूडेंट जो नीड दे रहे हैं उनके लिए। तो बेटा मैं क्या सिखाऊँ आप लोग को, बट जिसका जेई है बेटा एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये तो क्या पढ़ना है, ये तो क्या है, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चों, ये बहुत बार एज इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं अपना एक क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हैं। मैंने देखा है खुद पर्सनली, बोले सर ये तो ठीक है ना थ्योरी है, ये ऐसे ऐसा करते हैं, बट जब मैंने देखा है कि जब पेपर में आ जाते हैं ना वो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो मैंने इसके लिए जानबूझ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एंट्रेंस एग्जाम में मैंने जो देखा है, जो बुक्स में से मैं आपको नोट्स बना के बताता हूँ, उसमें जो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है उन्हीं को बेटा मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स, सोडियम आयन Na+ आयन इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट सप्लाई, इट इज प्रेजेंट एज द लार्जेस्ट सप्लाई इन ऑल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड, सेल के बाहर का जो फ्लूड होता है बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड में अंदर जो होता है वो K+ ज्यादा आता है सेल के अंदर, बाहर जो होता है Na+ राइट, ये तो सबको पता है। दिस फ्लूड्स प्रोवाइड्स व्हाट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग और न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ठीक है ना, ये प्रोवाइड द व्हाट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ आयन इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड्स ठीक है ना, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड होता है रेशियो होता है बेटा वो। इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का जो फ्लो होता है वो मेंटेन करते रहता है। Na+ आयंस पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में वो काम करता है। K+ आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट आयंस विद इन द सेल, अंदर द सेल ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन के सिंथेसिस में और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में इनका बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है। मैं ऐसा आपको रीड करके बता रहा हूँ, इतना बायो मुझे डिटेल में नहीं आता है। ग्रुप टू की बात करें, दिस इज ओनली फॉर जेई स्टूडेंट, बिकॉज नीट वाले स्टूडेंट्स को तो इससे कई गुना ज्यादा ही आता होगा। नीट वाले स्टूडेंट्स के अलावा जेई वाले स्टूडेंट ध्यान दें, Mg2+ आयंस आर मोस्ट आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में इतना तो पता है कि बच्चों क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इन ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो जेंटोविल की वो सबकी बात अलग है। Mg2+ आयंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज एंड फैट मॉलिक्यूल्स, Mg2+ जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करने में और फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Ca2+ आयंस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ, सबको पता है इतना, जिसको थोड़ा बहुत भी बायो नहीं आता है जैसे मेरा जैसा, तो उनको इतना तो पता है कि हड्डियां किसकी बनी होती है बेटा, कैल्शियम की बनी होती है, हड्डी है दांत है, तो हम लोग ये सब किसकी बने होते हैं, कैल्शियम की, और वो भी एपेटाइट के फॉर्म में होता है Ca3PO4 ठीक है। उसके बाद में Ca2+ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, अभी यही क्वेश्चन अगर समझो एमसीक्यू में आ गया होता, कोई बच्चा बोला अरे यार क्या ध्यान दे रहे हैं तो थियोरी पार्ट है, बट अगर सपोज यही क्वेश्चन में आ गया होता नॉन नीट वाला स्टूडेंट नहीं बेटा, वो जेई वाला स्टूडेंट है, तो वो तो डेफिनेटली इसको रॉन्ग करेगा, उसको पता ही नहीं है बेटा। और मुझे गारंटेडली मैं बोलूंगा एग्जाम के टाइम में ये बहुत कम ही बच्चे पढ़ के जाएंगे, इसके लिए मैंने एक एक चीज, आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर में एक एक चीज मैंने आपको बताई है, अभी हंसो मत बैठे बैठे, बट ये सब समझना है आपको ठीक है। Ca2+ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Ca2+ आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स में भी Ca2+ आयंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। Ca2+ आयंस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रेगुलर क्या बीटिंग ऑफ हार्ट, रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट में भी Ca2+ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं एज सच बोलूंगा कि ये सब बच्चों बेटा एक एक पार्ट प्लीज रीड कर लेना, बिकॉज ये अगर कभी एमसीक्यू में आ गया तो डेफिनेटली अपना पूरा चैप्टर पढ़ने का पानी में फिर जाएगा, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स टोटल कितने लेक्चर्स लगा दिए, 6 लेक्चर्स लगा दिए। अभी Na+ की बात करें तो पूरा एक लेक्चर था, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने डिटेल में बहुत सारा बताया, बट मैं आपको सच बोलूंगा कि अगर हमने कुछ भी पार्ट मिस कर दिया और वही एग्जाम में आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा
कि ये चीजें भी आपके नोटबुक में अच्छे से लिखी हो, और इसको बार बार अगर आप एक बार रीड भी करते जाओगे तो मुझे इतना गारंटी है, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ईजी है, बट जेई वाले स्टूडेंट्स स्पेशली बेटा आप लोग प्लीज इसको रीड करिएगा, लिखिएगा भी नोटबुक में, एक एक चीज लिखनी है तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द बेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम माई साइड, मैंने पूरा का पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म कर दिया, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा दिया, एनोमलस बिहेवियर भी पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद हमने कंपाउंड्स ऑफ सोडियम ले लिए हैं, सोडियम के तीन कंपाउंड्स पढ़े थे हमने, NaOH पढ़ा था, Na2CO3 पढ़ा था, NaHCO3 पढ़ा था, कैल्शियम के भी हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, और इस लेक्चर के बाद जो हम लोग ने एस ब्लॉक के जो आपको PDF के फॉर्म में MCQs दिए होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम राइट आएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो यूजेस के अगर हो सकते हैं तो वो आप लोग रेफर कर सकते हैं आंसर्स, बट कंसेप्चुअली पूरा चैप्टर एकदम साउंड हो गया। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।